सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक डिफरेंट स्टाइल से भिंडी बनाने सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम भिंडी को अच्छे से, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है वैसे आप भिंडी को अच्छे से काट लें। पहले सबसे पहले तो भिंडी को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसे किसी गीले सूखे कपड़े पर उसे रख दें 10-15 मिनट के लिए, सारा पानी जो है वो उसका निकल जाएगा। उसके बाद भिंडी को इस तरह से काट लें। इसकी कटिंग जो है बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, तभी ये अच्छी बनती है। और इसके सारे बीज जो हैं एक एक करके निकाल लें। आप देख रहे हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही काटिंग, बहुत इजी होता है इस तरह से काटने में। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट ये जब बन करके तैयार होगा ना तो सारी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। बच्चे भी एक ही तरह से भिंडी खा कर अगर बिल्कुल बोर हो जाते हैं तो डिफरेंट स्टाइल से ये भिंडी बनाकर देखें और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। वो मैं 100% गारंटी देती हूँ, वो ज़रूर पसंद करेंगे इस तरह की भिंडी को। देखिए मैंने सारे भिंडी को अच्छे से काट लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें अजवाइन डाला है 1/2 टीस्पून, फिर एक आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, फिर आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, और मैंने बेसन 1 टेबलस्पून लिया है। इसके बाद राइस फ्लोर मैंने थोड़ा सा डाला है ताकि जो भिंडी है वो बिल्कुल कुरकुरी बने। चावल का आटा, बस अच्छे से टॉस कर दें ताकि सारा कुछ एक दूसरे में मिल जाए और एक कोटिंग हो जाए पूरे मसाले की पूरी भिंडी में। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। अब मैं अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लें और हल्का सा पानी दे करके इसमें, ताकि पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए, एक कोटिंग हो जाए, उसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग में थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे बट अच्छे से ही मिक्स होना चाहिए ताकि सारे जो भिंडी हैं उसके ऊपर ये अच्छे से लग जाए। वीडियो में आरती की भी आवाज़ आ रही हो क्योंकि मेरे बगल में ही मंदिर है और यहाँ से शाम का वक्त हो रहा है तो आरती हो रही है। साथ साथ में इसका भी आनंद है। जिस भिंडी में नहीं लगा है थोड़ा थोड़ा मैं उसमें लगा दे रही हूँ ताकि सब बराबर से अच्छे से टेस्ट आए सारे भिंडी का। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और तेल को है अच्छे से गर्म हो जाने दें, तभी इसमें भिंडी डालें। डीप फ्राई करना होता है इसको, लेकिन मैंने थोड़ा उतना तेल यूज़ नहीं किया है। आप थोड़े थोड़े करके इसमें डाल डाल करके भिंडी को निकाल सकती हैं, या बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करेंगी तो सब एक ही बार में आ जाएगा सारा भिंडी। बट मैंने कम तेल में इसको कम तेल करके 3-4 बार करके मैंने इसे फ्राई कर लिया है। ये क्विक रिव्यू है, देख सकते हैं इसको एक बार पूरा। अब भिंडी की आवाज सुन सकते हैं कितनी आवाज आज इसमें अच्छी सी आ रही है, कुरकुरी आवाज अच्छे से सुनाई पड़ रही है। इस तरह से कुरकुरी भिंडी जो है अपने बच्चों को खिलाएं और पसंद करें। धन्यवाद। हाँ, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से सबको धन्यवाद।